हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कर स्वागत है आपका स्टूडियो में। तो दोस्तों, आईटीआई बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। रेलवे अप्रेंटिस की तरफ से जबरदस्त वैकेंसी निकली है, जो आपका एसईसीआर मतलब साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, जो कि इसका बिलासपुर रीजन से बहुत बड़ी भर्ती आई हुई है, जिसमें अप्रेंटिसशिप की आप एलिजिबल हो तो अप्लाई कर सकते हो। 10वीं पास प्लस आईटीआई आपने किया है वेरियस स्टेट से तो आप एप्लीकेबल हो, अप्लाई कर सकते हो। सारे कैंडिडेट, बहुत सारे कैंडिडेट क्वारी कर रहे थे रेलवे में अप्रेंटिसशिप नहीं आ रहा। सर, रेलवे अप्रेंटिसशिप की जो आपका डिक्शनरी का जो पेज है वो स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि अब लगातार आपका रेलवे का अप्रेंटिसशिप आना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी आईटीआई वालों के लिए, जो एलिजिबल है जरूर अप्लाई करें। आप सबको पता ही है आईटीआई अप्रेंटिसशिप करने से ग्रुप डी में और रेलवे के जॉब में कितनी आपको बेनिफिट्स मिलने वाली है। तो आइए इस वीडियो में बात करना है कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल है और क्या क्या वैकेंसी डिटेल्स प्रोसीजर रहने वाली है। और एक बात फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं बता दूं, इस चैनल पे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड पल पल की अपडेट दी जाती है। आपके लिए वीडियो अगर यूजफुल लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिसने भी आईटीआई पास आउट है और अप्रेंटिसशिप के लिए मौका ढूंढ रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वीडियो शेयर कर दें। तो गाइस, हम आ चुके हैं इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, जो कि आउट हो चुका है ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप जाकर भी यहाँ पे नोटिफिकेशन आउट को आप पीडीएफ रूप में डाउनलोड कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट में भी, और अदरवाइज हमारे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड करके अपना ऑफिस रीड कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यानी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, जो कि जोन पड़ता है बिलासपुर जोन में है, वहाँ से अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई है वेरियस ट्रेड से। आप देख सकते हो, जो कि ऑनलाइन डेट आपका रखा गया है 16 जून 2019 से स्टार्ट हो चुका है और 15 जुलाई 2019 तक इसका लास्ट डेट है, शाम 6 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपके अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे रजिस्ट्रेशनशिप होना चाहिए। एससीबीटी और एनसीबीटी दोनों कैंडिडेट एलिजिबल है। मैं बात कर रहा हूँ अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे आपका अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन है तो ही इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो, वरना नहीं। तो सबसे पहले अगर आपने अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है एक वीडियो का, जिसने मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आपको अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं और कैसे अपना रजिस्ट्रेशनशिप नंबर ले सकते हैं। उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट में सर्च करके यहाँ पे इस तरह फॉर्म को आपको फिलअप करना है। टेंशन मत लीजिएगा, फॉर्म वाला वीडियो जो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे इसका मैं फॉर्म वाला वीडियो आज शाम को ही लाऊंगा, तो पेशेंस रखिएगा, जरूर अप्लाई कीजिएगा। बात करते हैं ट्रेडर की, आप देख सकते हैं ट्रेड की सबसे ज्यादा जो वैकेंसी दिखाई दे रही है मुझे वहां पे कोपा वाले की दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, 37 वैकेंसी है कोपा वालों के लिए, स्टेनोग्राफर हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रिक, फिर आपका आरएसी है, मैकेनिक है, वेल्डर है, प्लंबर है, मेसन है, पेंटर है, कारपेंटर, मशीनिस्ट, टर्नर और शीट मेटल वर्कर। मैंने टोटल पोस्ट की बात करें 432 पोस्ट है आपका, 432 पोस्ट है अप्रेंटिसशिप की। टोटल कैटेगरी वाइज आपकी कितनी पोस्ट है, ट्रेड वाइज कितनी पोस्ट है, ये आप डिटेल वाइज वीडियो आप देख लीजिएगा, जो कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा कि इलेक्ट्रिशियन की जैसे आपका टोटल 50 वैकेंसी है, जैसे फिटर की 32 वैकेंसी है, यहाँ पर आप टोटल देख लीजिए। यहाँ पर देखिए 50 वैकेंसी आपका इलेक्ट्रिशियन का है, फिटर का आपका यहाँ पे रहने वाला 80 वैकेंसी। बात करते हैं कोपा वाले की, आप देख सकते हो 90 वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा कोपा वाले की वैकेंसी है, जो कि लिंक आपका डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड की। एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया की बात करें, 10+2 शिक्षा पद्धति के तहत अगर आप हैं, वरना 10th पास अगर आप हैं सिंपली, और 10th पास आईटीआई वेरियस ट्रेड, जो ट्रेड मैंने बताया वो ट्रेड आप अगर हैं एलिजिबल हैं, पास आउट हैं वो ट्रेड से, तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। बट इतना ध्यान रहे, 10th पास में आपका कम से कम 50% मार्क्स आपका होना चाहिए, 50% से आपका कम मार्क्स है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एज क्रिटेरिया की बात करें तो 15 वर्ष से लेकर 24 वर्ष के बीच में बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। एसटी एससी और ओबीसी वालों के लिए सिमिलर जो आपका रिलैक्सेशन मिलता है 5.3 इयर्स का, वो मिलेगा ही आपको, मिलना है। अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे आपको जाके वहां रजिस्ट्रेशनशिप करना पड़ेगा। इसकी टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 1 ईयर का आपका टाइम ड्यूरेशन होने वाला है, जो कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के अनुसार ही होगा। उसमें आपका स्टाफन भी मिलेगा, जो कि वो भी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के अनुसार ही गुड स्टाफन दिया जाएगा, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं दिया गया, लैमसम जो रेलवे अप्रेंटिसशिप में होता है 19 भी चलते रहता है। चयन की प्रक्रिया की बात करें, यहाँ पे कोई भी एग्जाम्स आपका नहीं होगा, बिल्कुल मेरिट बेस्ड पे आपका सिलेक्शन होगा। न्यूनतम 50% मार्क्स वाले मैट्रिक प्लस आपका जो भी आईटीआई में मार्क्स आया है उनके रियलाइज पे आपका मेरिट तैयार किया जाएगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल एग्जाम, उसके बाद आपका सिलेक्शन होने की संभावना है।
यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों कैटेगरी में नोटिफिकेशन दिया, तो हिंदी वाले बच्चे और प्लस इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ पे दोनों आप देख लीजिएगा, जो भी आपका एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया वो देख कर ही अपना नाउ से रीड कर लीजिएगा, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने का आप टेंशन मत लीजिए, अप्लाई करने का मैं वीडियो शाम को लाऊंगा जिसमें स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कैसे अप्लाई करना और क्या एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया रहने वाला है आपका। तो आई होप गाइस इतना आपको समझ में आ गया है, यहाँ पे सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एनसीबीटी और एससीबीटी वाले मेल एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों एप्लीकेबल हैं। अगला बात करता हूँ मैं आपको अप्लाई करने के लिए सबसे ज़रूरी यही बताएं आपको अप्रेंटिसशिप पोर्टल्स पे ही अप्लाई होगा, तो वहाँ जाकर आपको अप्लाई करना है, अदरवाइज कहीं से भी अप्लाई नहीं होगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशनशिप आपने नहीं किया तो रजिस्ट्रेशनशिप कीजिए, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आईटीआई वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, रेलवे में अप्रेंटिसशिप आई हुई है दोस्तों। रेलवे में मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें ये सर आगे बताया जा रहा कि आईटीआई वालों के लिए फिर से मौका दिया जाएगा ग्रुप डी में, जो आपका रिक्वायर्ड किया जाएगा। पहले अप्रेंटिसशिप वालों को दिया गया था, बट अभी आप आईटीआई वालों के लिए मौका भी दिया जा रहा है, तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। जहां से भी मौका मिलता है रेलवे अप्रेंटिसशिप करने से आप जी जान लगा दो, 432 पोस्ट है आने जाएगा, तो बहुत बड़ी पोस्ट है। अगर आपका मेरिट अनुसार बनता है तो सिलेक्शन हो जाता है, बहुत बड़ी न्यूज है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है रेलवे में वैकेंसी जो आपका अप्रेंटिसशिप करना। अगला मैं बात करूं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट आप कर सकते हो, फिर भी यहाँ पे एक ऑफिशियल जो यहाँ पे लिंक दिया गया है नंबर से, उस नंबर पे कॉल करके आप दूरभाष से द्वारा कांटेक्ट भी कर सकते हो। अगर अदरवाइज कोई भी इसमें जो जनरल इंस्ट्रक्शंस था वो मैंने दे दिया है, फिर भी कोई क्वारी है तो आप कमेंट कर सकते हो, फॉर्म वाली वीडियो में बना दूंगा। और कितने कैंडिडेट एप्लीकेबल हैं वो कमेंट जरूर करें कि सर हमें जो फॉर्म फिलअप करना है, उस अनुसार मैं वीडियो भी बनाऊंगा जल्द से जल्द। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें जिसने भी आईटीआई पास आउट किया है स्टेट से, और जो एप्लीकेबल है मेरी राय यही आप जरूर अप्लाई करें आईटीआई में अप्रेंटिसशिप करना, वो भी रेलवे में, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।